हाई गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई एम बैक विद द लेटेस्ट अपडेट ऑफ ये रिश्ता क्या कहलाता का स्पॉइलर अलर्ट लेके आ गई हूँ आपको एंटरटेन करने के पर्पज से। तो बिना वक्त बर्बाद किए आइए वीडियो को चालू करते हैं। तो हमें ये देखने को मिलता है कि अबीरा और अरमान का क्लोजनेस बढ़ता चले जा रहा है और ये सारी चीजें देख के रूही का तन बदन में आग लग जा रहा है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे अरमान और अबीरा शादी करना चाहते हैं, बट यहाँ पे दादी सा इस चीज का परमिशन नहीं दे रही और रूही भी नहीं चाहते कि इन दोनों का शादी हो। एंड देन उसके बाद यहाँ पे रूही आ चुकी है पद्दार हाउस में, क्योंकि उसका हस्बैंड यानी कि रोहित की भी एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे जो अबीरा है उसने कसम खाया कि वो जैसे तैसे करके अरमान और रोहित को आपस में मिलवाकर ही रहेगी। एंड देन उसके बाद रूही ये सोचती है कि मैं ऐसा क्या करूँ जो अरमान मैनिपुलेट होके मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। तो यहाँ पे वो क्या करती है, वो अपने रूम जाती है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स खा के बेहोश पड़ी हुई रहती है। और ये सारी चीज़ें रोहित देखता है तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है और पास के हॉस्पिटल में ले जाता है। डॉक्टर उसका जाँच पड़ताल करता है तो ये पता चलता है कि वो काफ़ी हद तक ज़्यादा डिप्रेशन और एन्जाइटी से गुजर रही थी, इसी की वजह से उन्होंने इतना हद तक ज़्यादा डेंजरस कदम उठाया है। ये सारी बातें सोच के रोहित का गुस्सा है वो प्यार में बदल जाता है और वो ये सोचता है कि उसने बहुत ही ज़्यादा सख्ती कर दी। तो आपको क्या लगता है कि रोहित रूही को माफ़ करके अपनाएगा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बी विद मी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तब तक के लिए टाटा।